टॉप रेटेड एंड नंबर वन स्वीट गुजिया, जिसे हम बहुत सारे नाम से बुलाते हैं, जैसे कि करांजी और घुघरा भी कहते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले लिया है सूजी। और सूजी को हम यहाँ पे 400 ग्राम ले रहे हैं। आपको अगर मेरी वीडियो में समझ में ना आ रहा हो कि मैं क्या बता रही हूँ, तो आप कैप्शन चेंज करके अपनी लैंग्वेज चूज करके उसमें देख सकते हैं। अब गैस की फ्लेम ऑन करके हमने जो सूजी रोस्ट करनी है ना, उसके अंदर हम घी ऐड कर देंगे। तो 400 ग्राम सूजी है, तो हमें घी इसके अंदर 300-350 ग्राम जितना लगेगा, क्योंकि घी के अंदर हमें इसे अच्छे से रोस्ट करना है और घी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। देखिए, इस तरह से ये एकदम हल्की हल्की सी हो जाएगी हमारी सूजी जो है वो घी के अंदर, और तब तक हमें इसे रोस्ट करना है। घी ज़्यादा होगा ना, तो ये जो स्टफिंग बना रहे हैं ना, वो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये फिर बाद में ड्राई नहीं हो जाता है, और इसके अंदर जब शक्कर डालेंगे ना, तो वो सारी शक्कर भी अब्सॉर्ब हो जाएगी। अब इसके अंदर बहुत सारा हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने काजू, पिस्ता, बादाम सब कुछ ऐड कर दिया है छोटे छोटे टुकड़े करके। और फिर इसके अंदर खसखस यानी कि जो पॉपी सीड्स होते हैं ना, वो ऐड करने हैं। 3 चम्मच के करीब हमने पॉपी सीड्स ऐड किए हैं। आप लोग भी बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दीजिएगा, तभी इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होगा। और फिर इसके अंदर ऐड कर रहे हैं हम किशमिश, यानी कि जो रेजिन्स होती है ना, वो ऐड करनी है। तो हमने यहाँ पे कोई नाप नहीं लिया है ये किशमिश और ड्राई फ्रूट्स का, आप अपने हिसाब से अपनी पसंद से डाल सकते हैं। आपको जितना पसंद हो उतना डाल दीजिएगा, और अगर आपको मोटा पसंद हो तो मोटा भी डाल सकते हैं। सूजी और ड्राई फ्रूट अच्छे से रोस्ट हो जाने के बाद हम इसके अंदर डेसिकेटेड कोकोनट जो होता है, सूखा कोपरा होता है, वो 2 बोल जितना हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और इसे अच्छे से अभी मिला लेना है। तो डेसिकेटेड कोकोनट मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, आप वहीं से ला सकते हैं, या फिर आप घर पे भी ग्रेट कर सकते हैं। अब जब हमारा स्टफिंग एकदम ठंडा हो जाएगा, एकदम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए ना, तब हमें इसके अंदर शुगर पाउडर जो होता है, चीनी पिसी हुई, वो ऐड कर देनी है। तो वो भी हमने 2 बोल ऐड करी है, जितनी हमने सूजी ली थी ना, उतनी ही हमने चीनी ऐड कर दी है, क्योंकि स्वाद तो इसी के अंदर होगा। जो हम इसके बाहर का स्टफिंग को हम स्टफ़ करने वाला जो आउटर लेयर बनाएंगे, उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना है, वो आपको बाद में दिखाती हूँ। अब ये ठंडा हो चुका है, इसके अंदर शुगर भी मिक्स कर दी है। अब इसके अंदर हमने केसर, इलायची और जायफल का एकदम ही बारीक पाउडर बना दिया है, और वो ऐड कर दिया है। 2 टेबलस्पून हमें इसके अंदर ऐड कर देना है, और अब इसे अच्छे से मिला लेना है। अगर आपको इस तरह से ना पाता हो मिक्स करना, तो आप हाथों से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा स्टफिंग जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब करते हैं इसके आउटर लेयर की तैयारी। तो उसके लिए हमने यहाँ पे मैदा लिया है, मैदा हमने 400 ग्राम लिया है, और उसके अंदर अब हम घी ऐड करेंगे। घी मोइन के लिए इसमें ज़्यादा जाएगा, तो हमने यहाँ पे करीब 1 बोल जितना इसके अंदर घी ऐड कर दिया है। 1 कप घी ऐड कर देना है, और अच्छे से इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर ना ही हम नमक डालेंगे और ना ही शक्कर डालनी है, तभी अच्छा बनेगा क्रिस्पी। और इसके अंदर का मोइन आप देख सकते हैं, एकदम मुट्ठी बन जाए ना, इतना मोइन इसके अंदर जाएगा। और अब इसका जो आटा है ना, वो हमें दूध से गूंथना है, पानी की मदद से मत गूंथिएगा। दूध से गूंथोगे ना, तो बहुत ही अच्छा बनेगा। और इसे सॉफ्ट रखना है, पर इतना भी सॉफ्ट नहीं कि हमें इसको बेलते टाइम पे सूखे आटे की ज़रूरत पड़े। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको टाइट सा थोड़ा और थोड़ा सा सॉफ्ट बांध दिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा घी लगा देना है, और घी से अच्छे से इसको गूंथ लेना है, जिससे कि एकदम सॉफ्ट हो जाएगा आटा जो है ना हमारा, वो बहुत ही नरम नरम सा बन के रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा स्टफिंग भी रेडी हो चुका है, एकदम ठंडा हो चुका है, सारे मसाले उसके अंदर मिक्स हो गए हैं, और आटा भी अच्छे से लग चुका है। यहाँ पर हमने एक कपड़ा इस तरह से फैला लिया है प्लेटफॉर्म पर, और ये जो आटा है ना, अब उसकी हमें लोई बना के उसकी पूरियाँ बेल लेनी है। तो ये जो पूरियाँ है ना, हमें एकदम पतली बेलनी है, जिससे कि ये हम घुघरा जब भरे ना, तब मोटा मोटा सा ना बने उसका कवर। तो यहाँ पे ये हमारे पास गुजिया बनाने का एक मोल्ड है, उसमें बताती हूँ, और दूसरी भी दो तीन ट्रिक्स बताती हूँ आपको गुजिया बनाने की। तो गुजिया वाला जो मोल्ड होता है, उसके अंदर इस तरह से पूरी रख के उसके अंदर स्टफिंग भर देना है। स्टफिंग ज़्यादा नहीं भरेंगे, बस थोड़ा सा भरेंगे, जिससे कि गुजिया जो है वो फट ना जाए। और फिर इसकी जो रिम होती है ना, उसके ऊपर हमें लगा लेना है थोड़ा सा दूध, और दूध लगा के इसे अच्छे से चिपका देना है। दोनों साइड को अच्छे से चिपकाएंगे ना, तो ये बहुत ही अच्छा बनेगा, फटेगा भी नहीं। और मोल्ड को बंद करके फिर खोलना है। ये देखिए, है ना, अच्छे से बन चुका।
तो ये बहुत ही इजी वाली ट्रिक है। अगर आपको ये पाए तो आप ये भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मोल्ड्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं गुजिया बनाने के, और इसे एक कपड़े के ऊपर रखते जाएंगे। अब दूसरी ट्रिक बताते हैं, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इस तरह से हमें गुजिया के पूरी बना के उसके अंदर स्टफिंग भर देनी है, थोड़ा सा दूध लगा के दोनों साइड से इसको अच्छे से चिपका लेना है। और फिर क्या करेंगे, एक नाइफ लेंगे, जो एक्स्ट्रा है ना उसका साइड्स वो कट कर देना है। और जो गुजिया है ना, इसकी अब हम कलिया बनाने वाले हैं। तो कलिया एकदम इजीली कैसे बनाते हैं वो दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह से इसको दबाते जाना है और इसको फोल्ड करते जाना है। थोड़ा दबाएंगे, फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा दबाएंगे और फोल्ड करेंगे। तो जो फोल्ड हम ले रहे हैं उसका अच्छे से प्रेस कर देना, वरना फिर ये कलिया खुल भी सकती है। तो ये देखिए, ये हमारा बढ़िया सा गुजिया बनकर रेडी हो गया है। ये कलियों वाला जो होता है ना, ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपसे ना बने तो इससे भी एकदम आसान वाली ट्रिक हम दिखाते हैं आपको। पूड़ी बना ली, उसके नीचे इस तरह से बेलन रख देना है, और फिर क्या करना है, उसके अंदर स्टफिंग भर देना है। स्टफिंग इसके अंदर ज़्यादा नहीं भरना है, जिससे कि ये फट ना जाए, थोड़ा सा भरेंगे। और पतली पतली पूरियाँ बनाएंगे ना तो क्रिस्पी बनेंगे हमारे गुजिया। फिर दूध लगा के इसकी दोनों साइड्स को चिपका देनी है। और ये ध्यान रखिएगा कि आप साइड्स को अच्छे से चिपका दीजिए, दबा कर चिपकाइएगा, वरना फिर ये खुल भी सकता है। और जैसे हमने पहले किया उसी तरह से इसको साइड एक्स्ट्रा साइड को कट कर लेना है, और एक फोर्क लेना है। फोर्क की मदद से इस तरह से हमें इसको दबा कर पैटर्न दे देनी है। तो पैटर्न की पैटर्न भी हो जाएगी और ये साइड्स भी हमारी पैक हो जाएगी। तो ये तीन टाइप के गुजिया हमने बनाकर रेडी कर दिए। आपको जो भी ट्रिक अच्छी लगे आप वही ट्रिक से बना सकते हैं। और अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे घी गरम करने के लिए रख देंगे, और सारे गुजिया को इसी तरह से हमने रेडी कर दिया है। तो हमने यहाँ पर कलियों वाला गुजिया जो है वो बना दिया है, करांजी जिसे कहते हैं। तो ये कलियों वाली करांजी हमारी बनकर रेडी है। घी भी हमारा गरम हो चुका है। तो आप भी जब भी फ्राई करो ना, तो घी के अंदर ही फ्राई कीजिएगा, क्योंकि ये जो ट्रेडिशनल मिठाइयाँ होती है ना, वो घी के अंदर तली हुई बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसे हम फ्राई तब तक करेंगे, ये ज़्यादा देर नहीं लगती है तब फ्राई करने में। इसे दोनों साइड से अच्छे से थोड़ा सा कलर आ जाना चाहिए, थोड़ा सा बस गोल्डन कलर आ जाए तब तक फ्राई करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम बबल बबल वाला हमारा गुजिया बन चुका है। और अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में, ज़्यादा देर नहीं लगती, बस एक भी मिनट के अंदर दोनों तरफ से फ्राई हो जाता है। तो इसका जो स्टफिंग है ना, वो भी हम बहुत टाइम तक, 2-3 महीने तक इसे स्टोर कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर के अंदर इसे एक एयरटाइट कंटेनर में रख के आप स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इस दिवाली ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपके यहाँ पे गुजिया को क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ तो हम घुघरा बोलते हैं, कहीं जगह पे गुजिया बोलते हैं, कहीं जगह पे करांजी भी बोलते हैं। तो ये हमारे गुजिया बन के रेडी हो चुके हैं, इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट मिठाई दिवाली की स्पेशल वाली हमारी रेडी हो चुकी है। ऐसी बहुत सारी नई नई रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर दीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिए। और हाँ, शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को, हमें बहुत अच्छा लगता है आपकी कमेंट्स पढ़ के। और आप हमारी मदद करते रहिए हमें शेयर कर करके।